नाजरीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बैलहोंगल से टीपू सुल्तान कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तकरीबन 25 सालों से चल रहे इस बैंक को अब किसी की नज़र लगती मालूम हो रही है। मुसलसल बैंक के चक्कर काटने के बावजूद गरीब डिपॉजिटर्स की परेशानी बढ़ गई है, कुछ हासिल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो आइए तफसील से इस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कुल मिलाकर ये मामला क्या है। टीपू सुल्तान कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बैलहोंगल, जो तकरीबन 25 साल से जारी व सारी है, तकरीबन 2 साल से सोसाइटी काफ़ी नुकसान का सामना कर रहा है। हर छोटे बड़े डिपॉजिटर की परेशानी बढ़ गई है। मुसलसल बैंक के चक्कर काटने के बावजूद आवाम को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इस महीने के 25 तारीख को यानी सितंबर 25 2019 को बैंक की जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स भी शरीक रहे। मीटिंग में बैंक के मैनेजर शरफुद्दीन देवलापुर ने बताया कि तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद रकम डिपॉजिटर्स को लौटाना है, जबकि इतनी ही रकम कर्जदारों से वसूल भी करना है। लेकिन कर्जदार अदायगी को लेकर आजकल में टाल रहे हैं, जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स को उनकी अमानत लौटाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना बैंक को करना पड़ रहा है। इस जमन में डिपॉजिटर्स ने नाराज़गी का इजहार करते हुए चेयरमैन और डायरेक्टर्स पर कई सवाल उठाए। वाजह रहे कि डिपॉजिटर्स में कई खवातीन भी शामिल हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, और कई मजदूर भी हैं जिनकी बड़ी रकम सोसाइटी में फंसी हुई है। इस मौके पर बात करते हुए प्रोफेसर नेघनाल ने कहा कि सोसाइटी के कवानीन से नावाकिफ लोगों को जब सोसाइटी की जिम्मेदारी दी जाती है तो ऐसा ही होता है। अब ये डायरेक्टर जो है, पहले होते वक्त मैं होतू, तू होतू, इलेक्शन करेंगे, मुझे कुर्सी होना, तुझे कुर्सी होना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनको अलिब्बे भी मालूम नहीं। वैसे लोग आपको जो है, ये सोसाइटी की हालत ऐसी हुई है। अब क्या है, नहीं तुम्हें छोड़ दोगे तो हमें नहीं छोड़ते, तुम ना महीना छोड़ को 2 महीने टाइम लो और घर घर जाको, सब जन मिलकर वसूल करो। मीटिंग रही कर बोलेगा तो 2-4 आते हैं, उन्हें बात करते हैं, दूसरे जाते हैं, कौन भी नहीं आते बाकी वाले, ऐसे 5 से ज्यादा तो देखा नहीं मैं इनको। कई डायरेक्टर होना, पहली बात मालूम ही नहीं, मालूम आता नहीं कोऑपरेटिव के बारे में, और दूसरी बात मीटिंग को आपको समझने की भी इनके उनके अल्लाह ताला उनको नहीं दिया। तो इसकी ऐसे इदारों से जो है, ऐसे लोगों से क्या होता है, इदारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और नाक किसकी कट रही है यहाँ, मुसलमान कौम की नाक कट रही है, वो नहीं सोचते, मुसलमान कौम की नाक कट रही है। मोहम्मद रफीक नाइक ने सोसाइटी के जिम्मेदारान और मैनेजर को जल्द से जल्द कर्जदारों से पैसा वसूल कर गरीब मजदूरों को उनका पैसा वापस करने की मांग की। अभी तक हिसाब क्यों नहीं दिखा रहे तुम्हें, क्या दूध का दूध पानी का पानी मालूम होता है तुम्हें? 7-10 बरस हुआ तुम्हें अड़ाव पत्रिके ने, तुम्हारे पैसे नहीं, कत्ता लॉस हुआ, कत्ता फायदा हुआ, कौन लिए, कैसा लिए, और बोले मैं लिस्ट लगाओ, कंप्यूटर कॉपी सब देने को दो तुम्हें, यहाँ कौन कौन आते हैं, आए तो कौन भी नहीं रहते। मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, नई बात कौन का नुकसान नहीं होना, ये साला के भी नुकसान नहीं हो सला, ले साले को नुकसान नहीं होला, आज ही जी करो, तुम्हें जाको यो करो बा और करो, तुम्हें जो हमें साथ देते, 4 महीने टाइम लेते नहीं तुम्हें, भी कहते ये एक बरस हुआ तो क्यों नहीं दिया जवाब तुम्हें। बैंक के डायरेक्टर सुभानी सैयद और इलाही बेडगेरी ने कहा कि मैनेजर शरफुद्दीन देवलापुर ने ऑडिट करने में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, जिसकी वजह से आज बैंक को ये नौबत आई है। इलाही बेडगेरी और मौला साहब संगोली ने कहा कि 2 महीने में मैनेजर साहब अगर ऑडिट का काम मुकम्मल करते हैं तो वो अपनी जाती तौर पर एक बड़ी रकम डिपॉजिट कर बैंक की इमदाद करने के लिए तैयार हैं। रफीक नाइक और दीगर मीटिंग में मौजूद डिपॉजिटर्स के रूबरू शरफुद्दीन देवलापुर ने 2 माह में ऑडिट करवाने का वादा किया है। 2 महीने में कर तो 10-10 दिन में 1 वर्ष का नहीं होता है, हाँ। 26 जनवरी तक बोले नहीं, 26 जनवरी तक ये तो उनके साथ मिलकर मैं करने तैयार हूँ। सोसाइटी के चेयरमैन बाबू साहब सुदगट्टी ने कहा कि बैंक में कोई घोटाला नहीं है, कर्जदारों को दिए गए कर्ज की वसूली से सारा मामला हल हो सकता है, इसके लिए वो अंतक कोशिश कर रहे हैं। डिपॉजिटर्स को दिसंबर 26 तक का इंतजार करना होगा, इन 2 महीनों में कर्ज की वसूली कर तमाम डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाया जाएगा। काम भी है, हमें मेहनत करने का रहा तो मैं डायरेक्टर, मैं चेयरमैन, ये पहले सोचना, क्या चेयरमैन डायरेक्ट होने बड़ी बात नहीं,
क्या हुए के बाद में क्यों निभाना सेक्रेटरी काम क्या कमिटेलिंग काम क्या ये पहले में सोचना लिए वाले भी हमारे से रखे वाले भी हमारे है। तो नाज़रीन जिस तरह से बैंक के चेयरमैन और मैनेजर ने वादा किया है कि दिसंबर 26 तक वो रिकवरी करेंगे जो कर्जदारों को उन्होंने जो पैसा दिया है वो पैसा वसूल करके जो गरीब डिपॉजिटर्स हैं जो ख़वातीन हैं जो मजदूर हैं उनका पैसा लौटाने का जो वादा किया है अब देखना यही है कि वो आखिर इस वादे में किस कदर कामयाब होते हैं और डिपॉजिटर्स के हाथ क्या हासिल होता है। उम्मीद तो यही है कि जो वादा किया गया है उसे वफा भी किया जाएगा उस वादे को पूरा करते हुए जो डिपॉजिटर्स परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करते हुए दूर करने के साथ साथ बैंक को फिर दोबारा खड़ा करने का काम होगा ऐसी उम्मीद हमें भी है और हम सब चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर्स परेशान है जो परेशान हैं उनके उनका हक जो उनकी अमानत है उनको मिल जाए। आज के लिए इतना ही देखते रहिए बेलगाम एक्सप्रेस।